सांसद ए के मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ यहाँ पर ए के मिश्रा जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मिश्रा जी, आपके पास आकर हम अब ये जरूर समझना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर पहले बहस हो रही थी कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसी के चलते बागी विधायक बार बार अखिलेश यादव के पास जाते हैं लेकिन सहमति नहीं बन पाने के कारण अभी तक साफ स्थिति नहीं है कि पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी में भी जिस तरह से समीक्षा की बैठकों का दौर लगातार जारी है, एक बार दिल्ली दौड़ हो जाती है उसके बाद लखनऊ में आकर यह कह दिया जाता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, स्वतंत्र देव सिंह ही सारे चुनाव को देखेंगे और चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, उसके बाद फिर से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं सामने, वो बोलते हैं कि नहीं ये दिल्ली तय करेगी कि आखिर चेहरा कौन होगा, फिर राजनाथ सिंह को सामने आना पड़ता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। आपका विश्लेषण अब यहां पर क्या कहता है, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है या कहीं ना कहीं सियासी उठापटक संगठन के स्तर में भी अंदर अंदर जारी है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो बड़ी वाइटल चीज होती है, जीवित मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होगा उसमें जो है हेर फेर बदलाव के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, उसके पीछे कारण है क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी नहीं होती है। अब दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें दिख रहे हैं यूपी चुनाव में, एक तो ये दिख रहा है जो बहुत छोटे से बहुत लिमिटेड टाइप के हैं जहाँ पे मोनोपोली एक ही आदमी का चलता है, भागदौड़ तो समाजवादी पार्टी में भी चल रही है, बस फर्क ये है कि वो भागदौड़ जो है विधायक जी या पूर्व विधायक या कैंडिडेट अपने घर से निकल के अखिलेश यादव के घर जा रहे हैं क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, कोई ऑफिस तो है नहीं, फॉर्मल ऑफिस हायरार्की वगैरह तो है नहीं। ऐसे ही बीएसपी में भागदौड़ चल रही है कि वहां के नेता भाग करके बहन जी के चरणों में जा करके एक ही आदमी के पास जा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है, ये एक जीवंत प्रक्रिया है, लोकतंत्र में जिस हिसाब से परिवर्तन होते हैं देश में परिस्थितियों का परिवर्तन होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी उससे अछूते नहीं रहते हैं। और 50 चेहरों की बातें भी वहीं पे चलेंगी जो बहुत वाइटल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मैं अभी कांग्रेस से पूछ दूं बताइए आपका चेहरा कौन होगा तो बता नहीं पाएंगे, शर्तिया। मैं सपा के अपने मित्र से पूछ दूं बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो इनके पास एक ऑप्शन के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, अगर है तो बता दे, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। मैं बीएसपी के मित्रों से पूछता हूँ बताइए आपके यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और मैं प्रसपा के मित्रों से पूछता हूँ बताइए आपके यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कोई है टैलेंट इनके यहाँ? कोई नहीं टैलेंट है। लठ कपीश जी, आपको उत्तर देना चाहते हैं, एक एक ही लक्ष्य है, तो वही लक्ष्य करने के लिए जिनको बैठाया आपने, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के एक तरफा बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये इतना पूछना चाहता हूँ, जब माननीय अखिलेश आप तय करेंगे हमारे यहाँ की कौन होगा कौन नहीं होगा, आपके आंख में धूल पड़ी हुई है क्या? आपके आंख में धूल पड़ी हुई है क्या? मुझे एक बात बताइए, जब हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के चेहरा है तो आप दूसरे की बात क्यों करना चाहते हैं, क्यों किसरे की बात करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ के बाद कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बाद योगी आदित्यनाथ के बाद कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बाद योगी आदित्यनाथ के अलावा कौन कह रहा है? देश में मोदी के अलावा कौन सा कह रहा है? अरे दलाली बंद करिए मिश्रा जी, दलाली बंद कीजिए, आपके जैसे बहुत दलाल देखे हैं विश्लेषक के रूप में, आप दलाल हो मेरी बात सुनो, पहले आप दलाली खा रहे हो, दलाल हो मेरी बात सुनो, मिश्रा जी एक सेकंड रुकिए, कपीश जी, उन्होंने सबसे पहले प्रश्न पूछा था चंद्रमोहन जी से, उसके बाद उन्होंने प्रश्न आपसे भी पूछा, उन्होंने प्रसपा वालों से भी पूछा, बसपा से भी उन्होंने प्रश्न पूछा, तो इसमें एक तरफा तो कोई बात थी नहीं ना। उनका यही कहना है कि समाजवादी पार्टी में अगर ऑप्शन की बात होती है तो अखिलेश यादव के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर मिश्रा जी, मैं अब इनसे नहीं पूछूंगा, संदीप जी से नहीं पूछूंगा, सारे भाजपा के प्रश्न आप, क्योंकि आप सरकारी प्रवक्ता हो, आप पैसा लेके बैठते, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, आप बोलो ना, कर सुनो, पहले सुन लीजिए, व्यक्तिगत मत होइए, आपस में इस तरह से, आप तो किसी पार्टी के हो नहीं, निष्पक्ष आदमी हो ना, तो सुनिए मेरी बात, सुनिए
मैं आपको पूछ रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी के अलावा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, बताइए आपको कौन बनाएगी, किसको बनाएगी? अरे बताइए कौन बनाएगी? अब इधर उधर मत भागिए, इधर उधर मत भागिए, नंगा कर दिया आपको, सफर कर गए आपके, नंगा कर दिया आपका दिमाग, दिवालियापन है आपके अंदर, आपके अंदर दिमागी दिवालियापन है मिश्रा जी, मिश्रा जी दिमागी दिवालियापन का इलाज कराइए पहले। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोग ठंडे हो जाइए, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आते हैं, अभी हम ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए मैं बहुत एक सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को बात रखते समय एक चीज का उस व्यक्ति को विशेष ख्याल करना चाहिए कि जो निष्पक्षता के रूप में रहेगा। देखिए संदीप भाई के बात में मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोकपर्सन और वो अपनी भाजपा की हर तरीके से मदद करेंगे और करनी चाहिए उन्हें, वो इनका ईमान है भाई, वो उनके प्रवक्ता हैं तो उनकी हिफाजत करना इनका परम कर्तव्य है, ईश्वर ने इनको इसीलिए इसी कार्य के निमित्त बनाया है। लेकिन हमारे श्रद्धेय मिश्रा जी जो बैठे हैं इनको इसलिए बनाया है कि आप निष्पक्षता से विश्लेषण करें। मैं तो पूछ रहा हूं कि आपने चलिए बात कह दी और टीआरपी की बातें भी हो गई हमारे आपके बीच में, लेकिन श्रद्धेय मिश्रा जी मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के अलावा मुख्यमंत्री जो है इस 6 महीने के लिए कौन बनेगा भाजपा का, या अगर 2022 में वो चुनाव जीत जाते हैं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये हमें बता दीजिए, कौन सा चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आप उनका नाम नहीं ले रहे। और मैं मोदी जी का भी यही बात कहता हूं कि मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री वहां कौन बनेगा, उनसे इस्तीफा दिला के किसी को बना दीजिए जिनका टैलेंट अच्छा बता रहे हो, क्योंकि आडवाणी जी में क्या कमी थी जिनको हटा करके मोदी जी आ गए, सुषमा स्वराज और राजेंद्र और राजनाथ सिंह में क्या कमी थी ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना मिश्रा जी। तो मिश्रा जी हवा में बात ना करें, आप चुनाव विश्लेषक हैं, आपको जनता ये सोचती है कि आप बिना किसी से पेट हुए और निष्पक्ष बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए भाजपा के समर्थक भी हो, उनकी विचारधारा के व्यक्ति हो, तो कम से कम जब आप यहाँ पे बैठे न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको न्याय करना चाहिए, न्याय देना चाहते हैं। और मैंने हमने आपको अक्सर हर डिबेट में देखा है, और मैं आपको बताऊं मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किस तरीके से आपके ऊपर चढ़ाई करता हूँ, क्योंकि आप उस हद पे उतर जाते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि कुलश्रेष्ठ ब्राह्मण के खिलाफ ठीक है उत्तर देना चाहते हैं यहाँ पर मिश्रा जी। श्रीवास्तव जी मेरी बात सुन लीजिए, आप चूंकि न्याय प्रक्रिया से उस पेशे से जुड़े हैं, वकील और जज लोग बहुत शांत प्रिय होते हैं, उखड़ते नहीं है, आप अधिवक्ता है, अधिवक्ता कम जो है प्रवक्ता भी है, और चूंकि समाजवादी पार्टी उल्टी कुछ देती होती नहीं है तो हम आपका डेजिग्नेशन लंबा चौड़ा कर देते हैं, आप अधिवक्ता हैं, प्रवक्ता हैं और हमारे सहवक्ता भी हैं, एक नया डेजिग्नेशन हमारे तरफ से लीजिए, आपका बड़ा सम्मान है। अब आप अपने सवाल का जवाब सुनिए, रही बात जो आप पूछ रहे हैं कि योगी के सिवा कौन होगा, अरे अभी पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले तक पूरे मीडिया में पूरे जितने प्रवक्ता थे विपक्षी दल के वही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे फलाने आए उनको हटाया जाएगा उनको बनाया जाएगा, हम क्यों नाम ले, हम तो निष्पक्ष है, वो तो आप लोग बोल रहे थे। रही बात आप आडवाणी की बात कर रहे हैं, मैंने बोला ये देश पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत डायनामिक होता है साहब, मृत नहीं होता है ये, उनकी योग्यता में क्या कमी थी, उनको क्यों नहीं बनाया गया? नहीं मिश्रा जी ठीक है आप दोनों के विवाद को हम यहाँ पर सुलझा देते हैं, ठीक है इसका एक सीधा सा रास्ता है। कपीश जी मिश्रा जी एक सेकंड आप दोनों सुनिए एक मिनट रुकिए मिश्रा जी एक सेकंड रुकिए
ठीक है मिश्रा जी सुनिए, तो मिश्रा जी सुनिए, ठीक है बीपी डाउन ठीक है, शांत हो जाइए, बीपी डाउन अरे भाई ठीक है मिश्रा जी ठीक है ठीक है मिश्रा जी सुनिए सुनिए, कपीश जी एक सेकंड, कपीश जी एक सेकंड आप दोनों की ठीक है मिश्रा जी ठीक है ना, आ गई आपकी बात, मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी सुनिए ना, एक सेकंड कपीश जी को मेरा एक बस छोटा सा सुझाव, अगर उन्हें पसंद आए तो स्वीकार कर लेंगे। देखिए मिश्रा जी एक राजनीतिक पत्रकार हैं, एक आम जनता की तरह वो अपनी बात रखते हैं। आप आलोचकों को और विरोधियों को गले लगाना सीखिए। आप सत्ता में आना चाहते हैं तो सबको अपनाना पड़ेगा आपको, चाहे वो विरोधी हो या आलोचक हो। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम एक मठ से एक साधु को लेके आए, हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम चैलेंज करते हैं कभी जी को कि समाजवादी पार्टी किसी मौलवी को मुख्यमंत्री बना दे, लाके नहीं कर सकते। ये मुस्लिमों पर ठेकेदार बनेंगे, कुर्सी पे नहीं बैठाएंगे। संदीप जी मौलवी क्यों आपने बोला? क्योंकि मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, क्योंकि मुल्ला मुलायम सिंह खुल के जनता कहती है, क्योंकि कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ हमारा है, क्योंकि मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं और मुस्लिमों को ही सबसे ज्यादा आंख में झोंकते हैं ये, इसलिए मौलवी। लेकिन क्योंकि साधु संतों को तो ये अपनाएंगे नहीं, गोली चलाते हैं। हिंदुओं को तो अपनाएंगे नहीं, गोली चलाएंगे। ये बस राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। ठीक है मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं आपको। भाई मैं बहुत डरा हुआ पत्रकार हूँ, मुझे ना कानून की जानकारी है और पिछले 2-3 दिन पहले से मैं बहुत डर गया हूँ। और मैं सारे पत्रकार भाइयों को भी बोलता हूँ, भाई आप भी बहुत डर के रहो भारत में, उसके पीछे कारण है। पता नहीं ऐसा कौन सा शासक आ गया है इतने दिनों के बाद, अभी परसों ही तो हुआ है ना FIR, जो एकदम निष्पक्ष पत्रकार हुआ करते थे, बड़े बोल्ड पत्रकार हुआ करते थे, जिन्होंने ये लोनी वाली खबर चलाई थी कि 70 साल के बुड्ढे की दाढ़ी काट दी गई और जो बोल रहा था जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया था, 5-6 लोगों के ऊपर FIR हुआ ना, द वायर के ऊपर। भाई वो लोग बड़े बहादुर हैं, वो सब इन्हीं पार्टियों के पत्रकार हैं उनके फेवर में बोलने वाले। मैं तो बड़ा डरा हुआ हूँ साहब, और आप भी डरिए, नहीं डरेंगे तो काला कौ झूठ बोले काला कौआ काटे, ये समझ लीजिएगा। मैं पत्रकार लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप भी डर के रहिए। अब वो समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है कि जहाँ डरने की जरूरत नहीं है। 4-5 को सबक सिखा दिया, ट्विटर जैसे मल्टीनेशनल को भी सबक सिखा दिया, तो मैं तो भाई डरा हुआ हूँ। ये जो निडर लोग हैं उनकी खबरें भी मैं देख रहा हूँ और उनके भी पैजामे गीले हो गए। नमक रोटी वाली कहानी दिखा दी थी मिल की, उसको बताइए ना, आप उसको क्यों नहीं बता रहे हैं? आप उस विक्रम त्रिपाठी की बात क्यों नहीं बताते हैं जिसको की योगी सरकार ने हिफाजत नहीं दी और भाजपा के एक मंत्री के इशारे पे मार दिया गया? आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे। आप ये बताइए, बहुत निष्पक्ष आदमी है तो आपने बताया कि दूसरा पत्रकार पैसा लेता है, दूसरा विश्लेषक पैसा लेता है, यानी आप भी पैसा लेकर बैठे हुए हो, तो आप बताओ ना कि आप भी पैसा लेकर बैठे हो, क्यों नहीं बताते? अरे मेरे मित्र व्यक्तिगत बात हुई है ना, ठीक है छोड़ दीजिए ठीक है एक सेकंड कपीश जी एक सेकंड ना मिश्रा जी बहस बीजेपी पर है, उस पर ही रहिए, ठीक है छोड़ दीजिए ना, एक दूसरे को आप थोड़ी देर बाद पर्सनल आप लोग कॉल कर लीजिएगा और आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा। ऐसे नहीं मिश्रा जी एक सेकंड ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संदीप जी ठीक है, संदीप जी 30 दिन जब यही गोरखपुर न्यायालय में दरबार में करा दूंगा तो सारी आपको दरबार ही आना। ठीक है एक सेकंड कपीश जी मिश्रा जी एक सेकंड चलिए ठीक है व्यक्तिगत बात हुई यहाँ पर। संदीप जी एक सेकंड कपीश जी एक सेकंड संदीप जी सीधा सा इशारा ये है, एक सेकंड मिश्रा जी अब तुर्की है ना, मिश्रा जी एक सेकंड ना, अरे पूरा देश आपको देख रहा है ठीक है पर्सनल आप लोग फोन एक सेकंड सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए आपको मालूम है मिश्रा जी एक सेकंड मिश्रा जी कपीश जी एक सेकंड कि डिबेट में कैसे बैठते हैं।
चलिए ठीक है, हो गया हो गया मिश्रा जी, बस अरे मिश्रा जी ठीक है ना कपिल जी, आप भी आप बता दो कि अरे इतना व्यक्तिगत आप लोग क्यों हो रहे हैं आपस में, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी ऐसे नहीं, कपिल जी कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी आवाज थोड़ी सी डाउन कर लीजिए, ठीक है छोड़िए पर्सनल नहीं,